और जब हम सीन्स कर रहे होते थे तो ज़्यादातर हमारे पर्सनालिटी क्लैश बहुत है. अब आज से दोस्ती भी है लेकिन काम के टाइम पे बहुत पर्सनालिटी क्लैश रहता है. दो मुख्तलिफ इंसान बहुत मुख्तलिफ हैं तो बहुत इख्तलाफ अट्रैक्ट्स पीपल एक्चुअली. सो बहुत इख्तलाफ रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि हर सीन बहुत बुरा हुआ है और हर सीन मेरा इसका अच्छा नहीं हो रहा. बट जब एडिट होके म्यूजिक लग के लोगों की आंखों तक पहुंचा तो उनके दिलों तक पहुंच गया और उनको पसंद आ गया. How does it explain? Vahaj, do you have any negative characters in works or something non-romantic heroes type? Well, I think I'm very lucky for that matter. मैं अगर नेगेटिव कैरेक्टर भी प्ले करता हूँ तो लोगों को उससे भी प्यार हो जाता है. लेकिन नहीं अभी नहीं है. But I would love to play. You are the best. You are the best. Yes. You mean three words में वहाँ को describe करना हो तो क्या होगी वो तीन loves? Small, handsome, and tall. ये तो हमारी fans से पूछा जा रहा है. Honest and handsome. And very intelligent. So would you, but would you choose Vahaj or Burkhaj? It's a very interesting question. Yes. Why? ये आपसे भी पूछना है यमुना और मुझे इनके फैंस से भी पूछना है. हाँ कि वहाज को पिक करेंगे कि मुर्तसिम. समझ में आता है पिक वहाज. वो तो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है लेकिन लेडीज आपको क्या वहाज में दिखता है? मतलब बिसाइड आप तो उसको एज अ मुर्तसिम जानते हैं ना उसकी. आप ही को देखते रहते हैं, मिस करते हैं, देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं. नहीं आपने बोला आप शाय हो ना, तो शाय इंसान बहुत ही रोमांटिक होता है. But the intensity of Murtasim is out of this world. Maybe granddaughter. Handsome looking and amazing inside out gentlemen. So let's give a big round of applause. So आज fans ने ये भी request करा कि आप social media में besides brand collaborations आप कुछ और अपने बारे में या थोड़ा अपना कुछ पोस्ट करें क्योंकि वो आपको इतनी you know they follow you so much and they want to see something exciting about you. Social media ना बड़ा परेशान कर देता है मुझे. So I just try to stay away. I know that people love me but there's a lot of negativity as well and I just don't want to be a part of that. And I just feel मैं अपनी कंफर्ट के लिए कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान हूँ तो आई जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. और जो लोग मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं अब तो मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ ऐसे रहेंगे. हम ऐसे मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे. वो उन्होंने बोल दिया मिलते रहेंगे मतलब जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया में ही इनके बारे में. हम इनको पर्सनली रेडी है बार बार आने के लिए हमारे पास. बार माइक इसको हटा दो. एब्सोल्युटली बिल्कुल तैयार हूँ. थैंक यू वहाज. वहाज तीन लफ्जों में अगर आपको यमुना को डिस्क्राइब करो. Well, she is. वो तो सबको पता ही है. लेकिन she's a very honest person, very honest, and very hardworking as well, and very confident. So तेरे बिन में कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे आपकी आर्गुमेंट हुई या डिसएग्रीमेंट हुई? इसका आपको सवाल ही करना चाहिए कौन से सीन्स ऐसे थे जो नहीं नहीं हुए. क्यों कौन से सीन्स नहीं थे जिसमें आर्गुमेंट? दोनों ने एक साथ बोला तो प्लीज आप कोई सीन बताइए हम बताएंगे उसकी बैक स्टोरी. हाँ कोई भी सीन चूज कीजिए आप लोग. हम जो शानदार सीन है शानदार सीन में उस पर भी एक्चुअली वी हैड अ लिटिल फाइट ओवर पोजीशनिंग एंड प्लेसमेंट.
पोजिशनिंग एंड प्लेसमेंट और लाइट और ये आज के बहुत नखरे भाई लेडीज हैं आपको बता रहे बहुत ज्यादा ना हम लोग आर्ग्यूमेंट्स हम लोग का होता था हर चीज में ऐसे बोलना ऐसे नहीं बोलना कुछ कोशिश करता था लेकिन यमुना इज माशाल्लाह वेरी स्मार्ट है तो बस नोकझोंक चलती रहती थी हर सीन में किसी ना किसी बात पे किसी ना किसी चीज पे लड़ाई रहती थी बात भी नहीं होती थी बात सिर्फ डायलॉग्स पे होती थी हाउ स्विमिंग पूल सीन यस स्विमिंग पूल सीन या माय डॉटर वांट्स टू नो इट वाज एक्चुअली रिटन डिफरेंटली बट वी एग्जीक्यूटेड इन अ डिफरेंट वे जिसमें हम लोग कंफर्टेबल भी हों और जरा दिखने में भी सही लगे सो या थैंक यू सो मच वेरी ग्रेटफुल या ऐसे भी कोई सीन से जो ऐसे भी कोई सीन से जो फाइनल कट दे डिडंट मेक इट टू द फाइनल कट के अच्छे सीन्स हुए लेकिन वो दे डिडंट मेक इट टू द फाइनल Not really. I mean, जितना हमने शूट किया वो सब कुछ नजर आया असल में लोगों को देखना ज्यादा पसंद आ गया था प्रोड्यूसर ने जो रह भी गए थे वो भी सीरीज निकालने का एपिसोड्स बना के डाल दिए जस्ट टू एंटरटेन यू गाइस सो यार इवन टू वेरी सून आई मीन वी आर वर्किंग ऑन दैट स्क्रिप्ट I've been following, but nothing online like gives it away. It's offline, trust me, but it is offline. Well, yeah, but you need to show it online for us to see it, right? We will. अच्छी चीजों में थोड़ा वक्त लगता है. कितना वक्त लग कितना वक्त. We have been waiting patiently. सुने हैं ना कि बहुत दिन लगाया आप लोगों का. Suggestions ले रहे हैं. ऐसे भी नहीं. ऐसे भी बहुत दिन लगाया. She did a great job, I believe. Yeah. Are you going to have your kid in the second season? Like the kid that you had? I forgot the name. The kid, yeah, Misam. Misam, yeah. Misam, yeah. Are you going to have her story? Actually, we cannot reveal it here now. You need to give a little tidbit, right? If you guys want it, we'll add it on. Perfect, yeah. Okay. That was a good part. ऐसी कोई चीज़ है जो आप एक दूसरे की dislike करते हैं, पसंद नहीं करते? मैंने वापस पाकिस्तान इनके साथ ही जाना है। सब कुछ पसंद है एक दूसरे का। मैं जो भी सोचती हूँ कि अच्छा ऐसा हो सकता है वो रॉन्ग प्रूफ कर देता है वहां तो कुछ भी गलत होता ही नहीं है तो कुछ भी डिसलाइक He's so intelligent. There you go, ladies. That's why you guys love him so much. वो इतने intelligent हैं उनको पता है women की mind को किस तरह से play करना है कि वो हर चीज उनकी पसंद आती है. उनकी smile पसंद आती है, उनके नखरे पसंद आते हैं, उनकी आंखें पसंद आती हैं, उनकी look पसंद आती है, उनकी चलने का style पसंद आता है. वो entry करते तो पसंद आता है, exit करते तो दिल. क्या करोगे? बाहर आप नहीं ऐसे. Exit करके दोबारा entry पसंद. That's exactly what we all want, and especially these amazing ladies, these beautiful ladies, जो बेसब्री से आपके इंतजार कर रही थी.